हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा पिछले वीडियो से रिलेटेड कुछ बातों को। जैसे मैंने HTML जब सिखा रहा था, पिछले वीडियो में मैं HTML पे बनाया था, फर्स्ट बेसिक वीडियो था, तो उसमें से बहुत लोगों ने मुझे बताया कि जिनके पास सिस्टम नहीं है या जिनके पास लैपटॉप नहीं है तो वो HTML कोर्स की प्रैक्टिस कहाँ पे कर सकते हैं। तो बेशक इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो लोग मोबाइल फ़ोन में कौन सी एप्लीकेशन की मदद से HTML या अदर कोडिंग सीख सकते हैं और कौन से एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि वो अच्छे हो जाए कोडिंग में। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा ऐसे एक सॉफ्टवेयर के बारे में और दिखाऊंगा भी आपको कि वो सॉफ्टवेयर कौन सा है और कैसे उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर और शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय को वेस्ट किए और जानते हैं इस वीडियो में कि कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसको आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ करके आप कोडिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा वो एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप मोबाइल फ़ोन में HTML कोड्स या कोई भी कोडिंग लैंग्वेज को कोडिंग कर सकते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर। तो मोबाइल की स्क्रीन में आपको दिख रही होगी मेरी, और पहले मैं उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाइए, और ये प्ले स्टोर का वेरीफाइड एप्लीकेशन है इसलिए आपके फ़ोन में कोई भी इशू प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मोबाइल में आप कोडिंग कितना भी प्रैक्टिस कर लो लेकिन हैंड फ्री होने के लिए आपको सिस्टम या लैपटॉप लेना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप जब मोबाइल में प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप कहीं काम करते हो या कोडिंग करते हो तो आपको हैंड फ्री होने के लिए मोबाइल के कीबोर्ड और सिस्टम के कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए कीबोर्ड आप हो सके तो USB कीबोर्ड ले लो और USB कीबोर्ड को अपने फ़ोन के थ्रू यूज़ करो और कनेक्ट करके फ़ोन में कोडिंग करो। तब आपका जो अप्रॉक्स जो होता है रेट जिससे जिसकी मदद से आप कोडिंग करते हो वो ज़्यादा अच्छे से होगा। तो इससे पहले आप एक कीबोर्ड ले लो। तो बढ़ते हैं एप्लीकेशन की ओर। एप्लीकेशन में आपको प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना है SPCK। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा होगा SPCK। SPCK कोड एडिटर, SPCK कोड एडिटर ओपन, जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोग इंस्टॉल कर लो। इसकी रेटिंग भी बहुत बढ़िया है, 4.3 की रेटिंग है। तो आप इंस्टॉल कर लो अपने फ़ोन में, उसके बाद उसको ओपन कर लो। ओपन करोगे, जैसे ही आप ओपन कर लोगे, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और game.js लिखा होगा। js मतलब जावा स्क्रिप्ट का गेम आपको दिखाई देगा। तो जावा स्क्रिप्ट से एक गेम है। तो आप यहाँ पे जाना, लेफ्ट साइड में जो डॉट है उस पर क्लिक करना, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद न्यू फाइल पे क्लिक करना है। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको फाइल नेम डालना है, जैसे मैं डाल लेता हूँ फास्ट टेक। तो अगेन आपको करना क्या है कि वहाँ पे आपको फाइल का नाम टाइप करना है और आपको कौन सा फॉर्मेट का फाइल चाहिए। अगर आपका फाइल फॉर्मेट जावा स्क्रिप्ट है तो .js कर दीजिए, अगर आपका फाइल .php है तो .php कर दीजिए, और HTML है तो HTML कर दीजिए। तो मैं पहले HTML बेसिक्स की बात कर रहा था इसलिए .html पे इसको सेव कर देता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। जैसे ही आप सेव कीजिएगा यहाँ पे देखिए ऊपर में टॉप में HTML का एक फाइल बन जाएगा, ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिकली HTML स्टार्ट होगा, हेड भी दिया हुआ है और उसके बाद टाइटल भी दिया हुआ है, और देन तो आप देख ही पा रहे होंगे कि HTML स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद हेड भी है, हेडिंग टैग भी है और टाइटल टैग भी है, और साथ साथ हेड क्लोज है, बॉडी है। तो आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके आप एडिटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा जो भी चेंजेस है आपको करना है और एडिट करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एडिट करता हूँ आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर टाइटल में मैंने लिख दिया, सपोज मैं लिखा फास्ट टैग टाइटल है, और उसके बाद आपको प्ले करने के लिए राइट साइड में देखिए प्ले का बटन दिख रहा है, वहाँ पर प्ले कीजिएगा तो आपको प्रीव्यू आ जाएगा फास्ट टैग। देखिए टॉप में मेरा टाइटल हो गया पेज का फास्ट टैग। आप फिर से बैक पे जाइएगा तो नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद हेडिंग हमको डालना है, हेडिंग डालना है वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल हेडिंग मैंने डाल दिया वेलकम टू माय चैनल। और उसके बाद प्ले कीजिएगा तो देखिए हेडिंग आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी टैग यूज़ करेंगे तो जैसे ही उस टैग को ओपन करेंगे प्रॉपरली, जो टैग आपको यूज़ करना है उस प्रॉपरली टैग को यूज़ करेंगे तो पहले आपको दो एरो चाहिएगा इस तरह का, और उसके बाद आपको वहाँ पर टैग यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पर टैग यूज़ करता हूँ सेंटर यूज़ कर लिया। सेंटर टैग यूज़ करने के बाद आप प्ले करके देखिएगा तो मेरा वेलकम टू माय चैनल सेंटर में आ गया। तो इस तरह हर एक टैग आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से यूज़ करके आप इसमें अपना HTML पेज क्रिएट कर सकते हैं, और बाकी ये सारे कॉपी को आप सेव, कोड को आप सेव भी कर सकते हैं
और सेव करके इसको आप सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि इस कोड को आप शेयर भी कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, आपको शेयर करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। ये एडिटर है, डिस्कवर है, न्यूज़ है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो आपका प्रॉपरली सेव हो जाएगा और उसके बाद इसको साइन इन विद गिटहब या फेसबुक या अकाउंट से साइन इन होके अपने गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं इस पेज को, ठीक है। तो इस तरह आप कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस एप्लीकेशन से रिलेटेड, आप बिल्कुल मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपके लिए बिल्कुल हेल्प करूंगा। और ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा है और बहुत ईजी है यूज़ करना, इसलिए यूज़ जरूर कीजिए एप्लीकेशन को और एंजॉय कीजिए। तो इस तरह के कोडिंग वीडियोज़ के लिए आप चैनल को एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इस तरह के इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो लाऊंगा और एचटीएमएल का सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, मे बी परसों आ जाए संडे को सुबह में, तो संडे को सुबह में, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। और लाइव सेशन सैटरडे की इवनिंग को होगा लाइव सेशन, तो उस लाइव सेशन को भी ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।